हे गाइस गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सब? तो आप सभी का एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी जो है शाम हो रहा है और शाम का नाश्ता की तैयारी हो रहा है, वो क्या हो रहा है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हो आप, मैंने आलू जो है आलू ले लिया, उसको कद्दूकस कर दिया है। और सामने आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डाला है धनिया, पुदीना और दही और नमकीन और मिर्ची डाल दी है, दो चार मतलब पीस तोड़ के। इसको मिक्सी करेंगे, मस्त चटनी बन जाएगा। और यहाँ पे आलू जो है कद्दूकस कर रखा है, इसको इसका बनेगा टिक्की। तो चलो बनाते हैं। चलो इसमें नींबू डालते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो एक तरफ मिक्सी हो रहा है, दूसरी तरफ मैंने देसी घी डाल रखा है, सामने आप देख सकते हो। और इसके अंदर हम टिक्की फ्राई कर रहे हैं। चटनी भी ऑलमोस्ट बन चुकी है, बनने के बाद इसको निकालते हैं। दोस्तों बहुत ही बढ़िया स्मेल आ रहा है देसी घी का, और टिक्की बन जाती है तो उसके बाद खाएंगे, खूब मज़ा करेंगे। और चलो इसको बनाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हे गाइस, तो टिक्की बन चुका है, तो प्रिपेयर करते हैं। तो सामने देख सकते हो मैंने दो टिक्की रखा है। और उसके बाद दही डालेंगे, तो एक दो चम्मच दही डाल देंगे हम। दही से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाता है। और उसके बाद जो हमने ग्रीन चटनी बनाया था इसको भी डाल देंगे। और एक मेन चीज़ रह गई, वो है आलू भुजिया। तो आलू भुजिया भी डालते हैं, क्योंकि उससे जो है क्रिस्पीपन जो आ जाता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। चलो सब चीज़ प्रिपेयर हो चुका है, चम्मच लेते हैं उसके बाद खाते हैं। और खाने के बाद आपको भी बताता हूँ कैसा है। हे गाइस, तो आप देख सकते हो टिक्की कितनी बढ़िया बनी है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और स्वादिष्ट है। देसी घी का टिक्की बना हुआ है और खाते खाते मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया है। चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और आपने देख ही लिया टिक्की कैसे बनाते हैं। और अगर आपको फूड ब्लॉग चाहिए, मतलब कोई रेसिपी ब्लॉग चाहिए, तो आप ज़रूर बताना। हे गाइस, तो अब पिज़्ज़ा बनने जा रहे हैं।
आपने अभी टिक्की का देखा, फिर उसके बाद ये पिज्ज़ा बन रहा है और ये अगले दिन शाम का है। तो आप देख सकते हो ये टमाटर जो है इसको मिक्सी कर रहे हैं पिज़्ज़ा का जो चटनी होता है उसको बनाने के लिए, पिज़्ज़ा बेस का जो ऊपर लगता है। और यहीं पे जो है आटा भी गूंदाया जा रहा है। तो आटा जो है मिक्स हो चुका है लगभग, बस इसको थोड़ा सा देर और मिक्स करना है। और इसी के साथ साथ जो है टमाटर भी मिक्स हो रहे हैं और टमाटर को मिक्सी करने के बाद बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो निकाल लिया है, कैसा बना है प्यूरे आप देख सकते हो, बढ़िया ही है। अब जो है पिज़्ज़ा का चटनी बन चुका है, पिज़्ज़ा का आटा बन चुका है और यहाँ पे जो है छोटे छोटे कैप्सिकम के पीस कर रहा हूँ और पनीर का पीसेस भी करना है। तो पनीर और कैप्सिकम का पीसेस जो है मैंने कर दिया है आप देख सकते हो सामने। तो ये रहा पनीर और ये कैप्सिकम। इसके बाद पिज़्ज़े का जो आटा होता है उसका बेस, उसको हमने एक रोटी की तरह बेल लिया है और उसमें जो है छेद कर दिया है कांटे वाले चम्मच से। फिर उसके बाद जो है चीज़ जो है इसके ऊपर बिछा देंगे। चीज़ बिछाने के बाद जो ऊपर से जो हमने रोटी थोड़ा सा जो है गर्म किया था उसके इसके ऊपर रख देंगे। और उसके बाद जो है इसके ऊपर भी जो है फोक से जो है और छेद छेद कर देंगे चारों तरफ, कि मतलब जो पिज़्ज़ा है वो फूल ना जाए। इसके बाद चिली फ्लेक्स डाल देंगे और चाहे तो आप चिली फ्लेक्स चटनी के बाद भी डाल सकते हो, बट इससे क्या होगा कि ये अंदर ही चिपक के रह जाएगा और स्वाद इसका अच्छे से आएगा। तो उसकी इसीलिए मैंने जो है चिली फ्लेक्स पहले डाला है और उसके बाद जो है पिज़्ज़ा सॉस डाला है। तो इसको डाल के अच्छे से फैला लेंगे। और इसके बाद पिज़्ज़ा टॉपिंग्स डालना है, जैसे मैंने कैप्सिकम लिया है तो इसके ऊपर कैप्सिकम डाल दिया, फिर उसके बाद पनीर डाल दिया, आप चाहो तो प्याज और भी बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो, बट मैंने कैप्सिकम और पनीर वाला पिज़्ज़ा बनाया है जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलो इसको पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। और ये सामने आप देख सकते हो ये होम मेड ओवन है हमारा कह सकते हो। तो इसके अंदर डालते हैं, सबसे पहले हमने कढ़ाई लिया, उसके अंदर जो है नमक डाल रखा है, फिर उसके ऊपर एक छोटा सा प्लेट डाल के फिर उसके बाद पिज़्ज़ा रखा है जिससे कि पिज़्ज़ा जले ना। फिर उसके बाद कुछ देर बाद बनने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लगता है ये। हे गाइस, तो सामने देख सकते हो पिज़्ज़ा निकल चुका है, इसके साइड साइड देखो हल्का ब्राउन हो चुका है। तो मुझे ज़्यादा क्रस्ट वाला जो पिज़्ज़ा उतना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने हल्का ही इसको रहने दिया है। और फिर उसके बाद देखो मैंने इसको चारों तरफ से काट लिया है और काटने के बाद आप देख सकते हो स्लाइस इसके अंदर जो है चीज़ भरा है, क्योंकि हमने इसके अंदर भरा था, इसके ऊपर से नहीं दिया था कि अंदर अंदर जो है ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी आप इसके अंदर देखो चीज़ सही से दिख नहीं रहा होगा, बट इसके अंदर चीज़ है देख सकते हो, चारों तरफ जो ऊपर से नीचे तक चीज़ ही चीज़ दिख रहा है। हे गाइस, तो पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए पहले खाते हैं फिर उसके बाद में बताता हूँ कैसा लगा। हे गाइस, तो टिक्की और पिज़्ज़ा खाने के बाद बहुत मज़ा आया और आपने भी खूब इंजॉय किया होगा, और टिक्की के बनते हुए देख लिया आपने, पिज़्ज़ा बनते हुए देख लिया। तो आप घर पे भी बना सकते हो, बनाने के लिए कोई ज़्यादा सामान तो चाहिए नहीं। आपने भी देखा हमने ऐसा कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ तो लाया नहीं था बनाने के लिए, नॉर्मल घर में बनाया। तो आप लोग भी बना सकते हो, अगर आप लोगों को डिटेल में रेसिपी चाहिए तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको कमेंट में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो, बना सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। चलो बाय।